और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है, बता दें जहां बलरामपुर अस्पताल में मारपीट हुई है। गार्ड और बता दें तीमारदारों के बीच ये मारपीट हुई है। मामूली विवाद को लेकर जमकर हाथापाई हुई है। अस्पताल परिसर में काफी देर तक मारपीट चलती रही। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और थाना वजीरगंज के बलरामपुर अस्पताल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां मारपीट हुई है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बलरामपुर अस्पताल मारपीट इस अस्पताल में हुई है। गार्ड और तीमारदारों के बीच ये मारपीट हुई है। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छोटा सा विवाद था, मामूली सा एक मुद्दा था, जिसके लेकर ये मारपीट हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। थाना वजीरगंज के बलरामपुर अस्पताल का पूरा मामला बताया जा रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता राशिद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। जो राशिद, जानना चाहेंगे क्या वजह थी जो बलरामपुर अस्पताल में मारपीट हुई है। जी बिल्कुल, नया जैसा बताना चाहेंगे कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं और अस्पताल प्रशासन की तरफ से और वहाँ के जो गार्ड है उनकी तरफ से आज इस तरह की जो मारपीट की घटनाएं हैं वो सामने आती हैं। हालांकि जो तीमदार हैं, जो पीड़ित जो परिवार था उससे मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, वहाँ पर गार्ड से उनसे कुछ कहासुनी हो गई। उसके बाद वहाँ पर जो गार्ड थे वो काफी सारे गार्ड इकट्ठे हो गए और जो तीमदार हैं उनसे मारपीट करने लगे। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले आई है, वहाँ पर समझौते की बात कर रही है। राशिद, ये भी जानना चाहेंगे वजह क्या थी, क्या मुद्दा था जिस वजह से इतनी बड़ी मारपीट हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह बताया कि वहाँ पर जो बलरामपुर के अंदर जिस तरह से वहाँ पर कुछ सौदे हो जाते हैं, वहाँ पर उनका ये कहना था कि वहाँ पर जिस तरह से काफी मात्रा में लोग वहाँ पर आ जाते हैं, वहाँ पर जो लड़कियां बैठी रहती या स्टाफ बैठे रहते हैं उनसे गलत तरीके से जो है गलत नजरों से देखते हैं। इसको लेकर जो गार्ड थे वहाँ पर उनसे कहा सुनी हो गई। उसके बाद दोनों में नोकझोंक होने लगी। नोकझोंक इतना हुआ कि वो आपस में दोनों में हाथापाई तक चलने लगी। हालांकि वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, वहाँ पर स्थानीय जो चौकी के लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच जाते हैं। हाँ। वो किसी तरह मामले को शांत कराते हैं। चलिए, शुक्रिया राशिद इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल स्थिति जो है वो संतोषजनक बताई जा रही है। एक छोटा सा मुद्दा था, मामूली सी बात थी, जिसे लेकर अस्पताल परिसर में ये मारपीट हुई।